कैनेडा सरकार वालों सरकारी खर्चियां तो 500 डॉलर मिलियन की कटौती करने की अपनी योजना के वेरवे बारे जानकारी साझी की गई है। सरकार ने कहा कि लागत कटौती की पहलकदमी में छोटे कारोबारियों 25 मिलियन डॉलर प्रति साल के बजट तो बाहर रखा गया। जी हाँ, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और इन्वेस्ट इन कैनेडा हब वर्गियां कुछ एजेंसियां अपने खर्चों का 1% तो वध जमा करके सरकारी खजाने में वापस आउणगियां, पर कार्ड विभाग ते एजेंसियां कटौती करन वालियां सरकारी संस्थावां दी सूची विच शामिल नहीं ने। इसे तरह ही सरकार कुछ राष्ट्रीय अजायब घर जिवें कि कनेडियन म्यूजियम ऑफ नेचर अते कनेडियन म्यूजियम फॉर ह्यूमन राइट्स लई बजट दा लगभग 0.2% घटा रही है, पर नैशनल म्यूजियम ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी जो हर साल 39.5 मिलियन डॉलर खर्चदा है कटौती वाली लिस्ट दे विच शामिल ही नहीं है। सूची विच शामिल सरकारी विभागां विचों वित्त विभाग नूं सब तो छोटी मार चलनी पै रही है। अप्रैल में जारी किए गए 2023 के बजट में वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि सरकारी खर्चों में कटौती का वादा अगले 5 सालों में 15.4 बिलियन डॉलर की बचत को दर्शाता है। राष्ट्रीय रक्षा विभाग में बड़ी कटौती हुई है, कुल 500 मिलियन डॉलर की कटौती में 211.1 मिलियन डॉलर जो कि 27.5 बिलियन डॉलर खर्चे के अंदाजे लगभग 0.76% है। खजाना बोर्ड ने दस्तावेजों में मनिया कि कटौतियों का प्रभाव एक विभाग तो दूजे विभाग में वख-वख हो सकता है। ट्रेजरी बोर्ड की प्रेजिडेंट अनीता आनंद ने पत्रकारों को कहा कि साड़ी खर्च समीक्षा नाल संबंधित नतीजे की यह सिर्फ पहली किश्त है। सरकार ने महीनों तो खर्चों से लगाम लगा, यात्रा के खर्चों को घटाने और बाहरी ठेकेदारों द्वारा पेशेवर सेवाओं से खर्च की रकम को घटाने की अपनी योजना से जोर दिता है। सरकार ने संचालन अते ट्रांसफर भुगतान अते खर्च घटाने का भी वादा किया है। उधर ही आनंद ने हाउस ऑफ कॉमन्स विच पूरक अनुमान पेश किए जिस विच सरकार दे 443 बिलियन डॉलर खर्चे दे अनुमानों विच 500 मिलियन डॉलर की कटौती शामिल है। जनतक किए गए दस्तावेजों में सरकार ने कहा कि प्रभावित विभाग अते संस्थावां अपने बजट के फ्रीज किए हिस्से नूं खर्चण दे योग नहीं होंगे, जो कि 500 मिलियन डॉलर बनते हैं जो मार्च विच वित्तीय साल के अंत विच आम सरकारी मालिए विच वापस चले जाएंगे। उधर ही आनंद ने पत्रकारों नूं दस्या कि 350 मिलियन डॉलर के खर्चे विच कटौती आउटसोर्सिंग नूं प्रभावित करेगी। यात्रा के खर्चे 150 मिलियन डॉलर तक घटेंगे। सरकार का कहना है कि अगले 5 सालों विच पेशेवर सेवावां ते यात्रा के खर्च 7.1 बिलियन डॉलर की गिरावट देखना चाहती है और ऑपरेशन के ट्रांसफर भुगतान के खर्चे 7 बिलियन डॉलर की गिरावट देखना चाहती है। इस विच कहा गया कि कैबिनेट मंत्रियों की एक कमेटी द्वारा होर पड़ताल की लोड़ वाले प्रस्तावों की समीक्षा की जाएगी और कहा जा रहा है कि शायद यह कटौती मददगार साबित हो सकती है। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।